राजस्थान विद्युत कर्मचारी अभियंता एवं अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत कर्मचारियों द्वारा बुधवार को हाथीभाटा पावर हाउस के बाहर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को प्रमुख शासन सचिव के नाम ज्ञापन दिया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 18 जनवरी को जयपुर में विद्युत भवन का घेराव किया जाएगा। राजस्थान विद्युत कर्मचारी अभियंता अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि विगत लंबे समय से विद्युत कर्मचारी आंदोलनरत हैं। राज्य सरकार द्वारा विद्युत कर्मचारियों को छोड़कर ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ सभी कर्मचारियों को दिया गया है। इसके साथ ही विद्युत कर्मचारियों की विभिन्न मांगें चली आ रही हैं, जिसे लेकर बुधवार को अजमेर जिले के सभी विद्युत कर्मचारी हाथीभाटा स्थित पावर हाउस के बाहर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर अंशदीप को ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए 5 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग रखी गई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो आगामी 18 जनवरी को विद्युत कर्मचारियों द्वारा जयपुर स्थित विद्युत भवन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संभाग मुख्यालय पर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत कर्मियों की मांगों के लिए माननीय मुख्य अभियंता महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए हम सभी विद्युत कर्मी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी मुख्य मांगों में OPS लागू करवाना, इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर करवाना, अधिमानता के आधार पर जो वंचित कर्मचारी रह गए हैं उनको लाभ दिलाना और साथ ही हमारे तकनीकी साथी हैं उनके पदनाम परिवर्तन की मुख्य मांग हमारी है। राज्य सरकार से हम नियमित रूप से अपना मांग पत्र सौंप रहे हैं, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मजबूरन आज हमें संभाग स्तर पर सभी साथियों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। आगामी 18 जनवरी को विद्युत भवन जयपुर पर हमारा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा और उसमें आगे के रणनीति तय की जाएगी। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि वे विद्युत कर्मियों को अविलंब OPS का लाभ दिलाएं और लंबित मांगों का निस्तारण करवाएं। यदि सरकार द्वारा हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये विद्युत कर्मी विशाल आंदोलन की ओर बढ़ेगा, जिसमें सारी जिम्मेदारी प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। मैं पुनः सभी साथियों का को आह्वान करता हूं कि अभी आंदोलन बहुत लंबा है, हमें एकजुट होकर एकता के साथ अपनी मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष के लिए तैयार रहना है। सभी साथियों का अभिवादन करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद।